नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल पांडे, जैविक प्रशिक्षक, विकासखंड हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। आज मैं जैविक किचन गार्डन की महत्ता पर एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं कि हम जब आधुनिक दौर में COVID-19 की जो महामारी फैल रही है, इसमें हम अपने स्वास्थ्य को, अपने इम्यून को कैसे मजबूत करेंगे और कैसे हम अपने घर पर ही शुद्ध, स्वच्छ और गुणवत्तायुक्त सब्जियां प्राप्त कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने छोटा सा प्रयास किया है। जैविक किचन गार्डन मैंने उसको नाम लिया है। उसमें मैंने विभिन्न प्रकार की सब्जियां अपने मैंने पैदा की हैं, और जहां तक उसमें सब्जियों में भिंडी है, करेला है, लौकी, कद्दू, तुरई और चिचिंडा और विभिन्न प्रकार की हमने जो मौसमी सब्जियां होती है, शिमला मिर्च है, इस प्रकार की हमने सब्जियों का कलेक्शन किया है। और अधिक से अधिक हम जैविक सब्जियों में अपने परिवार को सब्जियों में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान भाई के पास छोटी बहुत जमीन नहीं होती, वो छत पे भी, टेरिस पे भी अपने गमलों में और पॉलीबैग्स में अपने पौधे उगा सकते हैं, अपनी सब्जियां उत्पादन कर सकते हैं। उससे निश्चित ही एक तो हमें बिल्कुल शुद्ध सब्जियां प्राप्त होंगी, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होंगी, और उससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। और जो ये अब कोरोना महामारी चल रही है, इसमें कहीं न कहीं अगर हमने जीतना है, इसे लड़ना है, तो अपने इम्यून को हमने मजबूत करना होगा। अगर हमारा इम्यून मजबूत होगा तो उससे निश्चित ही हम लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। और इसमें करना क्या है, जैविक किचन गार्डन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हमने। आप छोटे से गमले लेने हैं, थोड़ी सी अगर हमारे पास जमीन मौजूद है तो उसमें हम पहले सॉइल हेल्थ चेकअप करेंगे कि हमें कौन से पोषक तत्वों की कमी महसूस हो रही है। उसके बाद हम उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जो लिक्विड खादें आती हैं, जीवामृत, पंचगव्य और कुनाब जल, इस प्रकार की हम खादें का प्रयोग करेंगे। जैविक किचन गार्डन में शुरुआत के लिए हमने जो क्या किया है, हमने गमले लिए हुए हैं और गमलों में हमने शिमला मिर्च का उत्पादन हम कर रहे हैं, और बहुत सुंदर सी शिमला मिर्च इसमें प्राप्त हो रही है, ये दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये पेड़ हैं, चार पेड़ हमने लगाए हैं शिमला मिर्च के, और उसमें बहुत अच्छी सब्जी हमें प्राप्त हो जा रही है। चौथे पांचवें दिन चार पांच छह शिमला मिर्च प्राप्त हो जा रही है, उससे निश्चित ही हमें ये देखिए अच्छा लाभ हो रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग ऐसे गमलों में आप शिमला मिर्च का उत्पादन करें, उससे निश्चित ही लाभ होगा। ये देखिए, हमने कुछ पौधे हमने भिंडी के भी लगाए हुए हैं, और ज़्यादा एरिया में नहीं है, छोटे से अपने गार्डन में हमने भिंडी लगाई है, उससे हमें निश्चित ही भिंडी भी प्राप्त हो जा रही है। बिल्कुल जैविक भिंडी है, इसमें कोई भी प्रकार का कीटनाशक या कोई भी पेस्टिसाइड या खादें, रासायनिक खादें नहीं डाली गई हैं, और हमें इसमें से भिंडी में से भिंडी लगातार प्राप्त हो जा रही है, और एक शुद्ध उत्पादन हमें सब्जी में प्राप्त हो रहा है, और हम बिल्कुल सब्जी में आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। हमने एक अपने किचन गार्डन में हमने ये जो देख रहे होंगे, हमने बैगन के पौधे लगाए हैं। ये देखो, बैगन हमारे तैयार हो रहे हैं, ये बैगन है, और भी बहुत सारे बैगन हमारे तैयार हो रहे हैं। ये बैगन तैयार हो रहे हैं, इधर बैगन तैयार हो रहे हैं। इसलिए अगर हम चार पांच पौधे भी बैगन के लगाते हैं, तो अपने खाने के लिए हम अपना शुद्ध बैगन की सब्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे हमें प्रयास करते रहने चाहिए। है हमने दूसरा हमने बैगन का उत्पादन किया। जैविक किचन गार्डन में हमने एक छोटा सा प्रयास और किया है, करेला उत्पादन। ये देख रहे होंगे, हमने करेले के लिए हमने एक नेट बनाया हुआ है, इसमें हम ये देख रहे होंगे हमने करेला उत्पादन किया, छोटे छोटे करेले प्राप्त हो रहे हैं हमें। ये देखिए, बड़े करेले भी प्राप्त हो रहे हैं। ये देखिए करेला है, और हमने ऐसा एक नेट जो नुमा एक छोटा सा 10 फीट में हमने एक ये बनाया हुआ है नेट, और उसमें हम करेला उत्पादन कर रहे हैं। बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त हो रहा है हमको, इसलिए पूरी तरीके से जैविक है, इसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक बिल्कुल नहीं डाला गया है। ये देखिए करेला उत्पादन प्राप्त हो रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार का हमने, अभी किसान भाइयों से कहूँगा कि इस प्रकार का अगर छोटी सी जगह में आप नेट लगा के अपना कोई भी बेलों वाली सब्जियाँ लगाते हैं, तो उससे ही निश्चित ही लाभ होगा, और आपका जो किचन गार्डन है बहुत मेंटेन रहेगा। कम जगह में अधिक सब्जी उत्पादन भी आप प्राप्त कर पाएंगे, और पूर्ण तरीके से जैविक उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। ये देखिए, हमने कि लौकी के लिए हमने नेट बनाया, लौकी का पौधा हमारा बढ़िया है, और जैविक लौकी उत्पादन पर भी काम चल रहा है अपने जैविक गार्डन में। तो ये जैसा दिखाई दे रहे होंगे आपने, हमने एक बड़ा सा जाल बनाया हुआ है लौकी के लिए, और छोटी छोटी लौकियां भी हमारी लगने लगी हैं। दिखाइए कि हमारी लौकी उत्पादन हमारा प्रारंभ हो गया है, शुरुआत हो गई है लौकी की। ये देखिए जैविक लौकी, ये आप देख रहे होंगे, हमने अपने जैविक किचन गार्डन में हमने अरबी
जिसे कुमाऊनी भाषा में पिनालू भी कहते हैं, इसका उत्पादन करता है। इसके पत्ते भी खाए जाते हैं और इसकी गांठें की सब्जियां बनाई जाती हैं। इसका उत्पादन हम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने ये हल्दी, थोड़ा कुछ हल्दी लगाने का प्रयास भी किया है। हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी होती है, इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करती है, तो हल्दी भी हम इसमें करने जा रहे हैं। साथ साथ आप देख रहे होंगे ये हमारा कटहल का पेड़ है, हमने कटहल उत्पादन भी हम कर रहे हैं अपने जैविक किचन गार्डन में। इसलिए अपने किचन गार्डन में छोटे छोटे पौधे, विभिन्न प्रकार के हमने पौधे, फलदार पौधे लगाए हैं, सब्जियां लगाई, तुरई हम बोलते हैं, तो उसका हमने पौधा लगाया है जैविक किचन गार्डन में। और अपना ये बेल जो देख रहे होंगे, ये पहाड़ी ककड़ी का है, बहुत खुशबू आती है इस ककड़ी में और बहुत ही उच्च गुण तक तो ककड़ी मानी जाती है ये खीरा, और ये पहाड़ी खीरा है, इसका भी हम उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही दिखाना चाहूँगा कि हमने नेट बनाया हुआ है जिसमें लौकी, कद्दू, तुरई और सब चीज़ों की बेलें हमने इसमें बनाया है, ये दिखाना चाहूँगा। और सारी बेलें हम प्रयोग कर रहे हैं, साथ साथ हम आम उत्पादन कर रहे हैं, लीची उत्पादन कर रहे हैं, चीकू उत्पादन कर रहे हैं, कटहल कर रहे हैं और कुछ कंदमूल फलों पे भी हमारा काम चल रहा है। जैसे हमने नागालैंड से पेड़ लेके आया था, उसके नीचे का कंद है, बहुत स्वादिष्ट कंद होता है। तो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे हम देसी वैरायटी के बीज का उत्पादन हम कर रहे हैं और सीड बैंक बनाने का भी हमारा अगला कार्य चल रहा है। इसलिए हम कोई भी हाइब्रिड का सीडों का बुआव नहीं करते हैं, उसकी बुआई बिजाई नहीं करते हैं, हम केवल पारंपरिक जो पुराने पहाड़ के बीज है या हमारे देसी नस्ल के बीज है उनका हम प्रयोग करते हैं और जैविक में वही असली जैविक खेती में वही बीज सर्वाइव कर पाते हैं। किचन गार्डन में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, ये देख लूंगे जैसे कि आप, ये इसे हम देसी भाषा में चिचंडा बोलते हैं और हमारी कुमाऊनी भाषा में चीसन बोलते हैं, और इसका हमने बहुत अच्छी स्वादिष्ट इसकी सब्जी बनती है और सांभर में ये बहुत मात्रा में डाला जाता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। इसलिए हमने इसको इस बार नया प्रयोग किया है कि हम जैविक तरीके से इसका हम कैसे उत्पादन करेंगे। और ये देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं, बर्मी कंपोस्ट और गौमूत्र का छिड़काव किया है और जैसे दिखाई दे रही है, हमने एक दो सब्जी खा ली है, दोबारा से ये लग गई है, तो इसे चिचिंडा बोलते हैं। और ये देखिए, हमने अपनी जैविक बगिया में हमने एक पौधा चीकू का लगाया था, ये देखो छोटे छोटे चीकू इसमें लग रहे हैं, ये देखिए, साल में दो बार हमें फ्रूटिंग प्राप्त हो जाती है और बहुत ही पौष्टिक और मीठा फल होता है चीकू। और हमारे क्षेत्र भाबरी क्षेत्र जिले नैनीताल में भी इसका पौधा अच्छा सर्वाइव कर जाता है, ये देखिए बहुत मीठे रसीले चीकू अभी हमने इसके पौधे से तोड़े हुए हैं, ये दिखाना चाहूँगा। चीकू पूरी तरीके से में कोई भी पेस्टिसाइड का प्रयोग हम अपने जैविक बगिया, जैविक किचन गार्डन में कोई भी हम रासायनिक का प्रयोग हम नहीं, जैविक किचन गार्डन में हम जो लिक्विड खादों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये देखिए, जैसे हमने ड्रम्स रखे हैं जिसमें सबसे पहले हम कीटनाशक के लिए हम गौमूत्र कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, ये गौमूत्र कीटनाशी हमने बनाया हुआ है। गौमूत्र में नीम के पत्ते और विभिन्न प्रकार के पत्तों को डाल के हम ये गौमूत्र कीटनाशी बनाते हैं। इसके बाद में बताना चाहूँगा वेस्ट डिकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर हम बनाते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर हमने बनाया, इसको भी हम लगातार पौधों में छिड़काव करते हैं। और इसके बाद में थोड़ा और बताना चाहूँगा, ये हमने हर्बल कुनाप जल बनाया है, ऋषि परासर की विधि है, ये देखेंगे ये हर्बल कुनाप जल है, इसको हमने बनाया। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जीवामृत, इसका भी हम निरंतर बनाते रहते हैं, ये जीवामृत है। और हम इसको अपने जैविक किचन गार्डन में किसी भी प्रकार का रासायन का प्रयोग नहीं करते हैं, बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग, ये देख रहे होंगे हमने एक बर्मी कंपोस्ट यूनिट हमने अपने घर पर बनाई गई है और इसमें हमने चार पांच ये खाने बनाए हुए हैं। इसमें हम गोबर से बर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसमें हम केंचुए, हमारे आइसिनिया फोर्टिडा वैरायटी के हमारे जो केंचुए होते हैं उसको हम गोबर को खा के पचा के बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह एक उच्च गुणवत्ता युक्त खाद तैयार कर देते हैं। तो ये हमारी ये बर्मी कंपोस्ट यूनिट है। इस जो भी हम जैविक किचन गार्डन में खाद का प्रयोग करते हैं, हम ये सब बर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करते हैं जो केंचुए के द्वारा बनाई जाती है। अगर हम बात जैविक की करते हैं और जैविक किचन की बात अगर हम करते हैं तो उसके लिए गौ पालन बहुत जरूरी है। ये देखिए, हमने देसी नस्ल की साहिवाल नस्ल की बच्चिया है, हमने पाली हुई है और इसके हम गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के कीटनाशक और विभिन्न प्रकार की लिक्विड खादें हम बनाते हैं। और दिखाना चाहूंगा, एक हमने गाय भी पाली हुई है। तो अगर हम जैविक खेती की बात करते हैं तो निश्चित ही हमें गौ पालन करना होगा, जैविक खेती बिगर गाय के बिल्कुल अधूरी है। इसलिए सभी से अनुरोध करूंगा कि जैविक खेती के साथ साथ आप गौ पशु जरूर पालें, उसके गौमूत्र से, उसके गोबर से विभिन्न खादें बनाएं और निश्चित ही जैविक का भविष्य उज्जवल होगा और जैविक खेती से ही जीवन संभव।